हेलो फ्रेंड्स, जे कंप्यूटर क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जॉयस्टिक डिवाइस के बारे में। तो जॉयस्टिक क्या होती है? यह एक इनपुट डिवाइस होती है जो कि जनरली गेम खेलने के लिए काम में आती है। इसको हम लोग गेम कंट्रोलिंग डिवाइस भी कह सकते हैं, जिसके द्वारा हम गेम को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी उसके मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जॉयस्टिक, तो हम इसको डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये जॉयस्टिक होता कैसा है, देखिएगा। एक फ्लैट बोर्ड होती है, इसके ऊपर में ये हैंडल निकला रहता है। ये एक हैंडल है जिसको हम लोग हाथ से ऐसे हैंडल को पकड़ते हैं। इसको हम लोग ऐसे पकड़ते हैं इस हैंडल को। अब ये क्या होता है कि कंप्यूटर से अटैच होती है, यह एक इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक क्या है? इट इज एन इनपुट डिवाइस जिसके थ्रू सिग्नल को कंप्यूटर में हम डालते हैं। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, जॉयस्टिक को हम लोग गेम कंट्रोलिंग डिवाइस भी कह सकते हैं। गेम कंट्रोलिंग डिवाइस, गेम के मूवमेंट को कंट्रोल करने वाली मशीन क्या है? जॉयस्टिक है। तो ये वर्क कैसे करता है? जैसे मान लीजिए आप कोई कार रेसिंग वाला गेम खेल रहे हैं। तो कार रेसिंग वाला गेम मतलब देखते हैं, जैसे ये कार है, अब ये ड्राइवर है। अब मान लीजिए कार को इधर ले आना हो, आगे की ओर ले आना हो, तो हम क्या करेंगे, ये जो जॉयस्टिक है उसके हैंडल को पकड़ के पीछे उधर खींचेंगे। तो जैसे इसको पीछे की ओर खींचेंगे, कार आगे की ओर मूव करेगा। अगर पीछे को ले आना हो तो इस हैंडल को पकड़ के आगे की ओर करेंगे तो कार पीछे की ओर जाएगा। लेफ्ट ले आना हो तो इस पकड़ लेफ्ट की ओर दबाएंगे, फिर राइट के लिए राइट की ओर दबाएंगे। यानी इस हैंडल को पकड़ के मूव करेंगे तो क्या होगा कि गेम कंट्रोल होगा। इसीलिए हम लोग जॉयस्टिक को गेम कंट्रोलिंग डिवाइस भी कहते हैं और इनपुट डिवाइस भी कहते हैं, जिसके थ्रू सिग्नल कंप्यूटर के अंदर जाता है। तो ये मार्केट में मिलता है, ज्यादा कॉस्ट नहीं है इसके। जनरली आप गेम शॉप में देखे होंगे इसको इस्तेमाल करते हुए।